हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है सूजी की चकली जो बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने जब इसे पहली बार बनाया ना तो इतनी ही क्रिस्पी और करारी रहती है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जैसे जनरली हम आटे की चकली तो हरदम बनाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ अलग हटकर सूजी और चावल को मिक्स करके चकली बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर एक कप भर कर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। चलिए अब साथ में डाल देते हैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। अब पानी को अच्छे से उबाल लेंगे और उबल जाएगा ना तब इसमें हम आधा कप सूजी ऐड करेंगे। लेकिन देखिए सूजी को मैंने पूरा इसे भरा नहीं है, आधा कप से थोड़ा ही मैंने इसे इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक चम्मच एक ही बार में ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। और साथ में यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भर कर मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। वैसे अगर आप इसमें घी में बनाना चाहें ना तो उसका टेस्ट दो गुना बढ़ जाएगा अगर आप इसे घी में बनाएंगे, लेकिन मैंने इसे ऑयल में ही बनाया है। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। सूजी को अच्छे से हमने कुक कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी जो सूजी है ना बहुत अच्छे से कुक हो गई है, तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे एक कप चावल का आटा। चावल के आटे को पहले आप अच्छे से चाल लीजिएगा, कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना हो। अब डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा और स्लो आँच पर ही ये काम हमें करना है। आपको लगेगा कि स्पैचुला भारी हो गया है, चल नहीं रहा, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस इसे लगातार आप मिक्स करें। अब मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर आधा छोटे चम्मच के करीब, लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने एक चम्मच के करीब ऐड कर दिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है और सफ़ेद तिल हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी ऐड कर दी है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर हमने गैस को बंद कर देना है और बंद करने के बाद एक बार बहुत अच्छे से इसे चला लेंगे। और चलाने के बाद ये बैटर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे ठंडा होने देंगे, तो ढककर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब 10 मिनट के बाद इसे एक बड़ी सी प्लेट में हम निकाल लेंगे। बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, जितना हम इसे हाथ से छू पाए। अब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा इसे ठंडा करना है, वरना ये जो हमारा डो है ना वो बन नहीं पाएगा। अब हाथों से इतना जितना आप इसे बर्दाश्त कर सके ना, बस उतना ही आप इसे अच्छे से मल मल कर इसे बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें पानी की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर आप इस मेजर से बनाएंगे ना तो पानी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें ऐड करने को। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार बना रहे हैं और कप का मेजरमेंट अगर इधर उधर हो गया तो आप पानी की छींटे डालकर इस डो को इस तरह से मल मल कर इकट्ठा कर ले। और इस तरह से हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। गीला कपड़ा लेंगे और इसे इस तरह से ढक देंगे ताकि ऊपरी परत जो है ना वो सूखे नहीं। अब यहाँ पे चकली वाला जो मशीन आता है वो मैंने लिया है। ऑयल से मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए ये चकली वाला जो है ना प्लेट में उसे डाल रही हूँ, इस पर भी थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है और इसके अंदर मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। अब एक बड़ा सा पोर्शन यानी कि दो हिस्से हमने कर लेने हैं और एक हिस्से को इस तरह से लंबगोल शेप दे देंगे ताकि मशीन में अच्छे से ये सेट हो जाए और इसमें हमने डाल देना है। अगर आटा जो आपका सख्त रहेगा ना तो चकली है ना टूट जाएगी, जब भी आप इसे फ्राई करेंगे ना, जब भी आप इसे बनाएंगे उसी वक्त टूट जाएगी। तो आटा का मेज़रमेंट परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए मशीन तो मैंने सेट कर लिया है, अभी हम इसकी चकली बना लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसे डालकर इसका गोल राउंड को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ और इस तरह से बिल्कुल पास पास ही करिएगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, फिर भी आपकी ये चकली ना बहुत अच्छे से बनेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट को हम अच्छे से पहले चिपका लें और जो एंडिंग पॉइंट है उसे भी चिपका देना है, और जो करीब करीब हमने बिल्कुल पास पास ही इसे राउंड एंड राउंड करना है और अच्छे से हल्के हाथों से चिपका देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारी चकली को इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, यानी इसे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गर्म करना, बस मीडियम आंच पे ही इसे कुक करना है। और वन बाय वन हमने पहले तीन चकली ही मैंने डाल के ड्राई कर रही हूँ ताकि कोई चकली आपस में टकरा कर टूट ना जाए, इसका ध्यान आपको देना है। और इसे पलटने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और मीडियम आंच पे ही इसे कुक करें। जब ऊपरी परत सख्त हो जाए ना तभी आप इसे टर्न करें। जब पहली बार आप इसे बनाएंगे ना तब आप
आपको खुद अंदाज आ जाएगा कि इसे हमने कैसे फ्राई करना है। जब ऊपरी परत क्रिस्पी हो जाए ना, तभी आप इसे टर्न कीजिएगा। जब डालने के बाद आप इसे बिल्कुल भी ना टच करें। तो इस तरह से जब अच्छे से क्रिस्पी करारा हो जाए ना, तब आप इसे निकाल लें। तो ये देखिए, जब ऑयल में भी जो बबल्स है ना, बिल्कुल भी शांत हो जाएंगे ना, तब आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से सारी चकरी को मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारी सूजी की क्रिस्पी और करारी चकरी। आप इसे खाएंगे ना, तो आप खुद जान जाएंगे कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप इसे ठंडा कर ले और एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप इसे स्टोर कर ले। आप अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में इसे दे सकते हैं। कभी होता है ना कि बहुत लेट हो जाता है, हम कुछ बच्चों के लिए बना नहीं पाते, तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।